और एक उमा के बाहर के प्लेयर वहां पर मौजूद, वहां पर पर्व के ऊपर से 6 रन आज खेला जाना है। तो गाइस एच विश्रामपुरी, तो अभी ये दोनों टीमों के बीच मैच होना है। कॉल हेड हेड एक क्रिकेट मैच के अंदर क्या आ गया देखो। मैं बता दूं, ये देखो गाइस पूरा बाउंड्री के जो दीवार है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखो यार क्या आप देख रहे हैं, विश्रामपुरी चैंपियंस लीग 2023 और ये जो मैच खेला जा रहा है विश्रामपुरी 11 वर्सेस रायपुर 11। हेलो गाइस, फिर से एक वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ विश्रामपुरी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है वहां पर चल रहा है VCL 2023 यानी कि विश्रामपुरी चैंपियन लीग 2023। तो गाइस अभी वहां पर कौन कौन से टीमों का मैच हो रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और अभी जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे VCL 2023 में किस तरह से स्टेडियम को सजाए हुए हैं या नहीं सजाए हैं, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि फाइनल मैच कब होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिल का दरिया नहीं गया। फाइनल गाइस विश्रामपुरी पहुंच चुके हैं और ये रहा विश्रामपुरी, आगे विश्रामपुरी, तो अभी हम लोग स्टेडियम जाने वाले हैं। चलो स्टेडियम चलते हैं। तो यहाँ से हमको राइट जाना है, तो इस वाले रास्ते से हम लोग लेके जाएंगे आप लोगों को। तो साउंड सुन रहे होंगे आप लोग, तो चल रहा है अलाउंस का काम, कॉमेंट्रेटर जिसे बोलते हैं। तो ये वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो इसका मेन गेट का जो रास्ता है वो अलग साइड से है, तो इस साइड से भी हम लोग जा सकते हैं। तो भाई साहब इस वाला गेट तो बंद कर दिए भाई, तो गेट के बाहर से भी बैठ के देख रहे हैं कई लोग। तो गाइस ये देखो बाहर साइड से भी कई लोग देख रहे हैं। ये देखो किनारे किनारे पूरा पार्किंग है, कई लोग तो बाउंड्री के जो दीवार है उसके ऊपर बैठ चुके हैं। इधर भी है देख सकते हो, इधर किनारे किनारे पूरा बाइक वगैरह सब पार्किंग है। ये देखो गाइस पूरा बाउंड्री के जो दीवार है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखो इधर, तो चलो बाउंड्री के अंदर साइड आप लोगों को लेके चलते हैं। पहले तो यहाँ से हमको जाना है राइट साइड, तभी आप लोगों को बाउंड्री के अंदर साइड जाने का मेन गेट मिलेगा। तो सामने रहा स्कूल, ठीक है, के बाद हम लोग चलते हैं अब अंदर सेट घुसेंगे। तो कहीं चाँव पे बाइक पार्क करेंगे हम लोग पहले, ये इनके लिए महंगा पड़ जाएगा इधर पूरा। तो चलो अंदर लेके चलते हैं भाई। तो फाइनल गाइस हम लोग स्टेडियम के बाहर सेट का जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसके जस्ट सामने से जो ना मेन एंट्री गेट के सामने से दुकान वगैरह सब लगा चुके हैं इस साइड। तो चलो अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को पहले, और बड़ा सा पोस्टर लगाए हुए हैं विश्रामपुरी चैंपियन लीग 2023 का। और चलो भाई इधर कौन कौन सा टीम का चल रहा है इसका कोई आइडिया नहीं, स्टेडियम को जिस तरह से दर्शकगण आ चुके हैं। तो सामने मेन स्टेज है तो आप लोगों को तो मैं दिखाया हूँ, तो सामने देख पा रहे होंगे आप। इस बार कुछ अलग टाइप से है ये देख सकते, मतलब इस बाउंड्री के सारे और जो ना अपडेट करके स्पॉन्सर है, आई थिंक कोई आइडिया नहीं है। काफी उम्मीद रहती है सभी वाले, वहां से काफी उम्मीद रहती है। सारंगा से कंडीशन ये है सर कि बचे हुए 5 ओवरों पर तो ये जो शुरुआत मिले है उसको कंसिस्टेंट बनाई रखनी होगी सर। जी हाँ बिल्कुल, लास्ट ओवर में देखे तो 12 के लगभग एक अप्रोक्स एवरेज निकल रहा था, और अभी वहीं पर ही बात करें 6 ओवर में बात कीजिए। पोस्टर लगाए हुए भाई ये देखो 5 ओवर में आप लोगों को ये भी दिखा दूं इस साइड, ये देखो प्रथम इनाम आप लोगों को बताया हूं मैं कि 3 लाख रुपए है करके, ये लगभग 15.2 के पास आ चुके। पर लीजिए पहला झटका यहां पर ओवर रूप में आता हुआ दिया जाना है 3 लाख रुपए, साथ में इस साइड जो ना है द्वितीय पुरस्कार 1,25,000 रुपए जो कि श्री प्रशांत पात्र जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया जाना है। बाकी सब इधर प्राइज वगैरह भेज ही सकते हो हमारे बीच बहुत ही प्रतिभाशाली हरफन मौला। तो गाइस सी एच विश्रामपुरी, तो अभी ये दोनों टीमों के बीच मैच होना है। कॉल हेड 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 है या सात ही बताएं टाइम, थोड़ा सा टाइम का खेल है आप लोग का मैच कल, और 6 ओवर कर दीजिए। 6 ठीक है, चलेगा ना 6 ठीक। तो 6 ओवर का मैच है जी। यहाँ पर टॉस हो चुका है, मैं आपको बता दूं कामरान खान
जो कि संबलपुर टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और आपको बता दूं संबलपुर इंडियन क्रिकेट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर होने वाला है। प्लेड इन आईपीएल राजस्थान रॉयल्स 2009-2010। और इसी के साथ यहां पर मैच जीतते हुए बहुत बहुत बधाई शुभकामना और जय 2.0। आपने शानदार जीत की, अपनी अच्छी बॉलिंग की, अपनी अच्छी बैटिंग की और इस कमेंट्री से अगर स्कोर पर ध्यान दिया जाए तो मैन ऑफ द मैच की अगर बात की जाए पर प्लेयर आए हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ी और जानकारी लूंगा। फिलहाल तो एक गगन चुम्बी शॉट यहाँ पर दर्शक बंधु तक गेंद पहुंचते हुए हवाई फायर जारी यहाँ पर संबलपुर की टीम से अहमद वाल 6 रन का इशारा। एक और नो मैच लाइन 4 रन हाईलाइट दिखाते हुए हाईलाइट्स को और बड़े प्लेयरों का यहाँ पर खेलना और आप सभी दर्शकों को मनोरंजित करना हम क्यों। और एक आगे मार दिया प्लेयर वहां पर मौजूद वहां पर पर्व के ऊपर से 6 रन और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है। और यहां पर जिस हिसाब से गेंदबाजी की जा रही है भोजन 11 की ओर से काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं कि 100 के अंदर ही रोकने में कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती है। और रोहित शर्मा थोड़ी सी झुसते अच्छी गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे लॉन्गर के दिशा में खेल दिया है शॉट यहां पर फील्डर तैनात है जब तक एक रन पूरे कर लेते स्वागत है मजुमदार सर आप रोहित की गेंद वापस रोकने में कामयाब यहां पर रोहित शर्मा पंकज के तूफान को और पावर प्ले का अंतिम ओवर है वैसे भी। और यहाँ पर पहली बॉल पर क्लीन बॉल कर दिए सोनू को यहाँ पर 22 नंबर के जर्सी के संबलपुर के लेफ्ट हैंड में गेंदबाज ने लीजिए अगले बल्लेबाज आदि साथी बल्ला घुमाते हुए पर यहाँ पर प्लेयर मौजूद और नहीं ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर सूरज की महान कृपा होगी यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर। जनरली ये होता है फील्ड में जो लेग साइड में गेंद गई लेकिन कोई रनिंग को नुकसान नहीं। और सर तो देखना चाहते हैं सर संबलपुर टीम को आप देखोगे जनरली गूगल में एक प्रेडिक्शन आता है फेवरेट चेंज होते रहते हैं आप तो अभी जो संबलपुर की टीम जीत चुकी है एक क्रिकेट मैच के अंदर क्या आ गया देखो मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं विश्रामपुरी चैंपियंस लीग 2023 और ये जो मैच खेला जा रहा है विश्रामपुरी 11 वर्सेस रायपुर 11 राइट नाउ ये पहली इनिंग खेली जा रही है दूसरा ओवर प्रगति पर है और टीम के स्कोर हो चुका है 20 रन पर बिना किसी नुकसान के। और स्ट्राइकर का और रॉन स्ट्राइक पर लाला मैच खेला जाना है और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 26 रन पर। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहां पर रायपुर 11 की ओर से एक तरफ काका दूसरी तरफ लाला दोनों की जोड़ी यहां पर कमाल करती हुई और यहां पर बल्ला को घुमाए यहां पर अभी और एक मैच खेलना है लेकिन हम उसका वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही लाइव करेंगे तब सीधा चलते हैं घर और कल सबसे देश मतलब अलग अलग शहरों से आएंगे खेलने के लिए बाहर बाहर से टीमें आएंगी कल खेलने के लिए। तो अभी ये जो मैच आप देख रहे थे रायपुर 11 वर्सेस फरिसगांव 11 रेस्पेक्टेबल मूवमेंट कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम फॉर दिस वंडरफुल विक्ट्री।
यू रियली डिजर्व इट एंड योर टीम। तो गाइस अभी मैं हूँ स्कूल ग्राउंड पे, ये देख सकते हो इधर है। और गाइस अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज है गाइस 25 दिसंबर और कल जो ना 26 दिसंबर है। कल जो ना गाइस बाहर से टीमें आएंगी और यहाँ खेलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पर जो ना 28 को फाइनल मैच होना है, तो आप लोग इस मैच को देखने के लिए ज़रूर आइएगा। और कल का वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल जो ना बाहर से आएंगे मैच खेलने के लिए और ज़्यादा मज़ा आएगा, साथ में कुछ अलग भी वीडियो आने वाली है, तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए। और एक चीज़ गाइस, मैं पूरा मैच का यहाँ का लाइव करने वाला हूँ, और अभी आज का मैच का भी मैंने लाइव किया है, तो आप लोग चैनल पर जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए कि मैंने लाइव किया है उसका। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को मज़ा आने वाला है।